खाना खाने के बाद कौन से एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि जब हम खाना खा लेते हैं तो हमारा पेट थोड़ा हैवी हो जाता है, जिसकी वजह से हम कोई भी एक्सरसाइज ऐसे रेंडमली उठा के नहीं कर सकते हैं। खाना खाने के बाद स्पेशली दो एक्सरसाइज को रिकमेंड किया जाता है, पहला इसमें है वज्रासन और दूसरा है वॉकिंग। अब इन दोनों में कौन सा बेटर है, वज्रासन करना चाहिए या वॉकिंग करना चाहिए? आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों एक्सरसाइज के फायदे बताऊंगी और इनमें से कौन सा बेटर है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं वॉकिंग की, क्योंकि ज्यादातर लोग खाना खाने के बाद कुछ दूर चलना या वॉक करना पसंद करते हैं। अगर आप खाना खाने के बाद करीब 1000 कदम चलते हैं, एक एवरेज अगर देखा जाए तो 1000 कदम चलने में लगभग 10 मिनट लगते हैं, जिसमें हमारी 30 से 40 कैलोरीज तक बर्न होती हैं। वॉकिंग करने से हमारी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होती है। वॉकिंग करते हुए अगर आप साथ में डीप ब्रीदिंग करते हैं तो ये हमारे डाइजेशन को भी इन्हांस करता है, कैलोरी बर्निंग प्रोसेस को भी इन्हांस करता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और खाने को डाइजेस्ट करने में हमारी काफ़ी हेल्प करता है। वेट लॉस के लिए भी वॉकिंग करना बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। खाना खाने के बाद अगर आप 1000 कदम भी वॉक कर लेते हैं तो यह आपके लिए सफिशियंट है। अब अगर बात करें दूसरी एक्सरसाइज यानी कि वज्रासन की, तो हमारे डाइजेशन को इन्हांस करने में, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में वज्रासन बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। जिन लोगों के पास वॉकिंग का ऑप्शन नहीं है, बाहर प्लेस नहीं है, या आलस आ रहा है, वो घर के बाहर नहीं जाना चाहते हैं, या अधिकतर लोग जैसे टीवी देखते हुए खाना खाते हैं या खाना खाने के बाद अपने मोबाइल में काम करने लग जाते हैं, वॉक करना स्किप कर देते हैं, उन लोगों के लिए वज्रासन भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आप घर पे ही मैट पे बैठ के या अपने बेड पे बैठ के भी वज्रासन कर सकते हैं। इससे भी आपकी कैलोरीज काफी बर्न होती हैं, आपका डाइजेशन इससे इम्प्रूव होता है, आपके पैरों की स्ट्रेंथनिंग होती है, कमर की स्ट्रेंथनिंग होती है, आपकी बॉडी के ओवरऑल पॉस्चर को सुधारने के लिए भी वज्रासन बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अगर आप खाना खाने के बाद सिर्फ 5 मिनट वज्रासन करते हैं तो ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करके आपके पेट से जुड़ी हुई सारी समस्याओं से आपको राहत दिलाने में काफी हेल्पफुल एक्सरसाइज है। जिन लोगों को घुटने के दर्द की प्रॉब्लम है, कमर दर्द की प्रॉब्लम है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं, वो लोग वॉकिंग करें, और जो लोग वज्रासन में बैठ सकते हैं तो कम से कम वो खाना खाने के तुरंत बाद 5 मिनट तक वज्रासन में बैठें और उसके बाद आप चाहें तो 10 मिनट तक वॉक भी कर सकते हैं। इन दोनों में से आप कोई भी एक्सरसाइज चूज कर सकते हैं। दोनों ही एक्सरसाइजेस आपके मेटाबॉलिज्म को इन्हेंस करने में, आपके डाइजेशन को इन्हेंस करने में काफ़ी हेल्प करती हैं। इसके अलावा मेरे चैनल पे खाना खाने के बाद की एक्सरसाइजेस का पूरा एक वीडियो है। एक्सरसाइज को आप खाना खाने के करीब 15 से 20 मिनट या आधे घंटे के बाद आराम से कर सकते हैं। खाने के बाद की एक्सरसाइज की वीडियोस का लिंक मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में दे दूंगी, साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उन एक्सरसाइज को भी आप खाना खाने के 20 से 30 मिनट के बाद में फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इस टॉपिक से रिलेटेड आप और कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।